अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन करी। यहाँ पर मैंने इसके लिए देसी चिकन लिया है। आप चाहें तो इसे बॉयलर में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी चिकन में इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो अगर अवेलेबल हो तो देसी चिकन में बना लें। 750 ग्राम देसी चिकन है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए जिसे रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर लहसुन लिया है, इसकी क्वान्टिटी इतनी रखी है। और अदरक का पीस लिए हैं 2। एक पीस छबीले का लिया है। ये स्पाइस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें। और 4 से 5 काजू ली है और 4 से 5 छोटे से टुकड़े करके सूखा नारियल लिया है। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। और पाउडर मसाले में हमने लिया है 2 टेबल स्पून भर कर लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लिया है नमक। खड़े मसालों में हमने 1 तेज़पत्ता लेना है, 2 दालचीनी के टुकड़े लेना है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार एनीस, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे हरा धनिया। तो ये तमाम स्पाइसेस है जो हमें चिकन बनाने के लिए चाहिए। तो देसी चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपके पास अवेलेबल रहे तो आप देसी चिकन में इसे ट्राई करें। तो यहाँ पर एक पॉट में हमने चिकन को ट्रांसफ़र करना है, उसमें हल्दी पाउडर नमक ऐड करना है और साथ ही हमने इसमें अनियन ऐड कर देनी है। अब हमने इसके फुल फ्लेम पर कुक करना है। तो हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो देसी चिकन है वो अपना पानी ना रिलीज़ करें। तो हम तब तक इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे कुक कर लेंगे। 10 से 12 मिनट में इसका पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका पानी रिलीज़ होकर ड्राई हुआ है। तो इसे 12 से 15 मिनट होने गए ड्राई होते हुए। रिलीज़ होने के बाद ये ड्राई हो गया था इस हद तक। तो आपने भी इस तरीके से इसे ड्राई कर लेना है। अब जो देसी चिकन होता है वो थोड़ी लेट टेंडर होता है, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, 1/2 ग्लास जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब हमें इसे कवर कर देना है और इसे टेंडर कर लेना है। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, इसे प्रेशर कुकर में भी टेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसे टेंडर किया है। तो यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे तरीके से जो है टेंडर हो गया था, लगभग 80% तक ही टेंडर हुआ था और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी रह गया था। इसके बाद हमने इसमें ऑयल के ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 240 ml जो कप होता है, एक मेज़र कप, उससे ऑयल ऐड किया है। तो 1 कप भरकर आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल में चिकन को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसे फ्राई करने के बाद इसमें पेस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और जो काजू थी और छबीले का पीस था उसका जो पेस्ट तैयार किया था वो पूरा शामिल कर देना है। और फिर इसे हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से इसको 7 से 8 मिनट हो गए थे और ऑयल इस तरीके से सरफेस पर आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से भून जाने के बाद हमने इसमें ऐड करना है लाल मिर्च और धनिया। इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर पानी के साथ हमने इसका एक घोल बना लेना है और इसको पूरा ऐड कर देना है। ऊपर से वापस आपने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। साथ ही हमने यहाँ पर जो साबुत मसाले और पाउडर मसाले लिए थे, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, वो भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और हमने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सरफेस पर नहीं हो जाता और सारे जो स्पाइसेस है वो अच्छे से कुक नहीं होते। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट में इस तरीके से जो चिकन है वो भून गया था और ऑयल सरफेस पर आ गया था। अब आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें लिक्विड पानी ऐड करें। आपको जितना लिक्विडी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मीडियम पानी ऐड करें और इसके बाद इसे हल्का सा मिक्स दे दें और इसे फिर फुल फ्लेम पर बॉईल आने दे दें। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम पर इसे अच्छे से बॉईल आने के बाद में गैस की जो फ्लेम है उसे लो कर देना है और हरा धनिया डालकर कवर कर दें। 2 मिनट बाद गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर जो है चिकन करी रेडी हो गई थी। इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो देसी चिकन है उसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही लजीज बनकर ये तैयार हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक
फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।